गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना नॉर्थन माउंटेन पढ़ा था। अब नॉर्थन माउंटेन के बाद आ जाता हमारा नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में हमें क्या आप ये बताइए मेरे को कि आप कौन से स्टेट में रहते? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कौन स्टेट में रहते हैं? और क्या आपके आस पास माउंटेन है, डेजर्ट है? आप जिस एरिया में रहते हैं वो माउंटेन वाला है, प्लेन वाला है, या फिर डेजर्ट वाला है, प्लेट्यू वाला है, घाट वाला है, या आइलैंड वाला है? आप प्लेन वाले में रहते हैं ना? तो प्लेन वाले में आप क्या देखते हो, किस स्टेट में रहते हो? मान लो पंजाब में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, तो इतना आप देखते हो ना कि यहाँ पर ना माउंटेन है और ना डेजर्ट है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन। और हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो कौन कौन से स्टेट कवर करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और साथ साथ बताइए कौन कौन सा? बंगाल, और कुछ हिस्सा असम। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, झारखंड और असम का कुछ पार्ट इसके अंदर है। हमें पता चल गया इस स्टेट को, ये स्टेट है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ये यहाँ से ऐसे हम ऐसे कर्व शेप में जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही थोड़ा सा इससे ऊपर वो क्या था हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, ये थोड़ा आगे चला क्योंकि हमारा कश्मीर है इधर, तो कश्मीर के इधर से फिर उसके सामने नीचे क्या है? पंजाब है, उसके नीचे पंजाब है, और ये वाला हिस्सा जो कि नॉर्थन माउंटेन से के साउथ में है, इस डायरेक्शन में साउथ, जो नॉर्थन माउंटेन के साउथ वाला पार्ट में या बॉटम में, वो क्या हमारा द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जो स्टेट आते हैं, ये हमारे ये स्टेट यहाँ पर ये आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम। तो हमारे ये स्टेट आते हैं, या फिर लिख देते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड असम। ठीक है बच्चों, ये इतना आपको समझ में आ गया है। ये स्टेट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसके अंडर आते हैं। अब हमने इतना रीड कर चुके थे, थोड़ा सा मैं इसे आगे और बताऊंगी। जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे माउंटेन को डिवाइड किया था ना, तो ऐसे ही हम कुछ स्पेशल एरियाज के वाइज उसको क्या करेंगे, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन, टू एंड थ्री। हमने इसको जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तीन हिस्से बना लिए। बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे जो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, कौन सा है वो? पंजाब प्लेन, और ये दूसरा क्या है? गंगा प्लेन, और तीसरा क्या है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन। हम इसको लिख भी देते हैं, या फिर सतलुज प्लेन, सतलुज प्लेन, गंगाटिक, द जी ए एन जी, गंगा प्लेन, द ब्रह्मपुत्रा
स्टूडेंट हमने थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया। ध्यान से देखो बच्चों, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब हम इससे आगे कर सकते हैं। अब पंजाब में, पंजाब और सतलुज के हरियाणा में क्या आ गया? हरियाणा में तो गंगा नहीं है ना, गंगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सतलुज प्लेन में क्या आ गया हमारा? पंजाब, पंजाब और हरियाणा, ये किसके अंदर आ गए? सतलुज के अंदर। अब गंगा प्लेन, गंगा कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश से जाती है, बिहार से जाती है, झारखंड से जाती है और बंगाल में भी जाती है, ठीक है। तो ये इधर हो गया हमारा गंगा प्लेन। और असम, आपको पता है बच्चों, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से, बिल्कुल आखिरी हमारा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए तब कहां पर? असम से होते हुए आती है। लेकिन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है बिल्कुल लास्ट का स्टेट है, किधर का? ईस्ट साइड का लास्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट स्टेट है। तो वहां पर माउंटेन ज्यादा है, तो हम उसको प्लेन तो नहीं बोल सकते। तो जब माउंटेन से जो असम में आती है, असम है कुछ हिस्सा प्लेन का है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पर आती है। तो हम आज जैसे प्लेन कर रहे हैं तो हम प्लेन वाला ही हिस्सा काउंट करेंगे। तो ये हमने, ये जो हमारे स्टेट थे, हमने इनके अकॉर्डिंग अपने इस जो नॉर्थन प्लेन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से हिस्से में कौन कौन सी रिवर जाती है और वो किस लिए फेमस है या किस लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर कौन कौन सी फेमस रिवर है, कौन कौन से डैम है, वो हम इनके अंडर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो भी आपको चीज पढ़ाई जाए एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। नॉर्थन प्लेन, ये हमारे स्टेट, इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, सतलुज प्लेन या पंजाब प्लेन के अंडर क्या कवर होते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं हिंदस प्लेन। और गंगा प्लेन, गंगा के अंदर ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये वाला और बंगाल, और इसके बाद आ जाता है हमारा असम वाला ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है बच्चों। ये हिस्से उत्तर प्रदेश को पता हुआ, गन्ना और वीट, राइस सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। अब प्लेन हिस्से में, जो ये वाला प्लेन है बच्चों, यहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर वीट, राइस, शुगर कैन, ये चीजें और भी बहुत दूसरी चीजें हैं, जवार, बाजरा, ये चीजें बहुत ज्यादा होते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ, और यहाँ पे जब रिवर है तो इन इन जो स्टेट है इनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। क्यों? पॉपुलेटेड एरिया है, ये पॉपुलेटेड स्टेट्स है, क्योंकि जहां पर प्लेन होगा वहां पर फैसिलिटी भी सारी होगी, सड़कें इजिली होगी, वहां पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान प्लेस पर ले जाना इजी होता, आसान होता है। और जहां पर फैसिलिटी ज्यादा होगी, जो भी चीजें फैसिलिटी यानी कि जो आम आदमी को चाहिए, जो लोगों को चाहिए जीवन यापन के लिए चाहिए, वो सारी कहां पर आसानी से मिल जाती है? वो प्लेन वाले हिस्से पर मिलती है बच्चों। तो हम इसे आगे आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 4 है, द नॉर्दर्न प्लेन। हम इतना रीड कर चुके थे, जो फ्लैट एरिया है वो हमारा ये है, स्टेट वगैरह हम कवर कर चुके हैं, और इसकी जो एरिया है कितना है? 2400। द हिंदस या फिर पंजाब प्लेन भी बोल सकते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर टेरिटरीज, मैंने बताया इसके साथ जो दूसरी रिवर्स फ्लो करती है वो भी क्या है? इनकी टेरिटरी यानी सहायक रिवर। आगे हमने इसको, ये देखो, हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर से 1, 2, 3 ये आ गया पंजाब, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन का, ये नॉर्थन प्लेन है, इसका वेस्ट वाला पार्ट ये क्या है? पंजाब प्लेन। हम पढ़ रहे थे पंजाब प्लेन में क्या, दिस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द हिंदस रिवर एंड देयर टेरिटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये जो पांच रिवर है ये क्या बनाती है? हिंदस प्लेन। क्या? हिंदस प्लेन बनाती है, 5 रिवर। हिंदस रिवर है, उसके साथ इट्स टेरिटरीज, टेरिटरीज जो उसके साथ में दूसरी रिवर्स फ्लो करती है, झेलम, चेनाब,
रावी एंड सतलुज। अब इंदस रिवर तो कहां, पंजाब की साइड में चली गई, लेकिन सतलुज रिवर है वो इंडिया में है। मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन द पाकिस्तान, मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा इसका कुछ पाकिस्तान में। इन इंडिया द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द प्लेन, जो स्टेट पंजाब और हरियाणा में है तो इंदस प्लेन का ये हिस्सा इंडिया में है। दे आर ड्रेन्ड बाय द रिवर सतलुज, और यहाँ पर कौन सी रिवर आती है पंजाब और हरियाणा, इसमें हरियाणा में सतलुज। और यहाँ का फेमस डैम कौन सा, द भाखड़ा नेंगल डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम। जो सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम। सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, भाखड़ा नेंगल डैम, जो सबसे लार्जेस्ट डैम है ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम भाखड़ा नांगल डैम। दिस डैम प्रोवाइड वाटर फॉर द इरिगेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, जो डैम होते हैं ये दो इनके बहुत सारे बेनिफिट है, इसीलिए ये बनाए जाते डैम। डैम होता बच्चों पानी को रोक कर, बहुत जो बहाव होता है उसको रोक दिया जाता है, और रोक कर वहां पर फिर धीरे धीरे उसको उस पानी से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब दीज डैम प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब खेती के लिए, जो डैम होता है इससे खेती के लिए पानी मिलता है, और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और बिजली बनती है। वीट होता है गेहूं, वीट इज द मेन क्रॉप फसल ऑफ दिस बेसिन। यहाँ की कौन सी फसल फेमस जो मेन है क्रॉप। अदर मेजर क्रॉप आर राइस, कॉटन, बार्ले, मेज, मेल्ट शुगर केन एंड ऑयल सीड। ये मेजर क्रॉप राइस, कॉटन, बार्ले, जो ज्वार, बाजरा, ये इस शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड, जैसे सूरजमुखी हो गए, सरसों हो गए, ये चीजें यहाँ पर खूब उगाई जाती है। मेजर बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो बच्चों ये था हमारा पंजाब प्लेन। यहाँ पर इसके बाद आ जाता हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो ये हमारा पंजाब प्लेन है उसके मुकाबले ज्यादा बड़ा है। ईस्ट एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता। घग्गर रिवर कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा से लेकर और तीस्ता रिवर तक यहाँ तक कवर है। इट सेपरेट ओवर ए नंबर ऑफ नॉर्थन स्टेट लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, परदेसम पार्ट ऑफ झारखंड एंड बंगाल ऑफ इट्स टू ईस्ट इट इट्स ईस्ट। तो ये स्टेट कवर करते हैं इसके अंदर, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड बंगाल। इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी एंड तीस्ता। यानी कि यहां पर कौन सी है, घग्गर, और यहां पर है तीस्ता। तो यहां पर इतनी रिवर आती है, यमुना, गंगा, घग्गर, गंडक, कोसी और तीस्ता। फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, हिमालय के नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में क्या है, हिमालय। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री। द रिवर भागीरथी एंड मंदाकिनी एंड अलकनंदा। द रिवर भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा ज्वाइन द गंगा वाइल इट फ्लो डाउन द माउंटेन। ये जो थ्री रिवर है, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये ज्वाइन हो जाती है कब, जब इट फ्लो डाउन द माउंटेन, जब ये माउंटेन से नीचे बहती है कौन, गंगा, जब गंगा गंगा में मिक्स हो जाती है, जब ये नीचे की तरफ बहती है। थ्री रिवर, भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा रिवर है
वो इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, और इसको पता क्या होली रिवर भी बोलती है या सेक्रेट रिवर भी बोलते हैं, पवित्र गंगा बोलते हैं ना, गंगा मैया भी बोलते हैं। तो क्या है ये पवित्र रिवर है। लाख्स ऑफ पिलिग्रम विजिट हरिद्वार टू टेक ए डिप इन द होली रिवर गंगा। जो लाखों यात्री होते हैं तीर्थयात्री, जो यात्रा करते हैं तीर्थयात्री, धार्मिक स्थल की जो यात्रा, उसको पिलिग्रम्स बोलते हैं। तो क्या है, तीर्थ यात्री कहाँ पर वो करते हैं नहाने के लिए, स्नान करते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार टू टेक ए डिप, डिप होता है डुबकी लगाना या स्नान करना, इन द होली रिवर, जो पवित्र गंगा है के अंदर लाखों लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। द रिवर गंगा मीट द रिवर यमुना एट इलाहाबाद। गंगा और यमुना रिवर कहां पर मीट करते, एट इलाहाबाद। कहां पर, इलाहाबाद। द प्लेस वेयर बोथ द रिवर मीट एट कॉल्ड संगम। जहां पर दोनों रिवर आकर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं संगम। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट इलाहाबाद वंस इन एवरी 12 ईयर। 12 साल बाद, 12 ईयर, 12 ईयर आफ्टर 12 ईयर फेमस कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर, इलाहाबाद में। 12 साल बाद कहाँ पर मेला लगता है, कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है। ऑन रीचिंग बंगाल द गंगा स्प्लिट इन टू मेन ब्रांचेज। गंगा जब बंगाल में जाती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली एंड द पद्मा। जो बंगाल में रह गई उसको क्या बोलेंगे, हुगली, और जो बांग्लादेश में चली गई उसको बोलेंगे पद्मा। हुगली फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, और जो हुगली रिवर वो कहाँ पर फ्लो करती है, कोलकाता में। द रिवर पद्मा फ्लो थ्रू द बांग्लादेश एंड ज्वाइन यमुना, और द रिवर पद्मा फ्लो थ्रू द बांग्लादेश, और बांग्लादेश में कौन सी रिवर फ्लो करती है, पद्मा, जो कि गंगा का एक पार्ट है, एंड ज्वाइन यमुना, और यमुना से ज्वाइन होती है जमुना। द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन जमुना, द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ड्यू टू डिपोजिट ऑफ द सिल्ट ऑफ देयर लोअर कोर्स, लोअर कोर्स होता है बच्चों जब जहां पर आकर नदी का बहाव कुछ कम हो जाता है। दीज रिवर्स स्पिल्ट इन ए नंबर ऑफ चैनल नोन एज डिस्ट्रिब्यूटरीज, और जहाँ पर मैं आपको बता रही, डिस्ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिस्ट्रिब्यूटरीज होता है बिल्कुल जब रिवर समुद्र के किनारे पर आने के, उससे पहले जब अलग किनारे पर समुद्र में आने से पहले वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखो यहाँ पर है बांग्लादेश, गंगा रिवर आई, इसको टू पार्ट में डिवाइड है, पद्मा गया जो बांग्लादेश में गया, और ये हुगली रिवर ये कोलकाता में आई है। ये रिवर है गोमती, घग्गरा, गंडक, ये सब मिक्स होकर कहाँ आ रही है, गंगा के अंदर, और गंगा का फिर बहाव तेज हो जाता है, और तेज होने के बाद फिर ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो हिस्से बन जाते हैं, एक हुगली, एक तो हुगली है, दूसरा पद्मा है। हुगली रह गई इंडिया में, पद्मा रिवर चली गई बांग्लादेश में। और इसके साथ जब ये यहाँ पर आते तो अलग अलग छोटी छोटी रिवर में डिवाइड हो जाती है, जैसे अलग अलग यहाँ से अलग अलग मिली थी ना, एक हो गई थी, तो जब यहाँ पर बिल्कुल इसके कोर्स पर आती है बिल्कुल, तो वो लोअर कोर्स है जब सबसे नीचे बहती है, तो वहाँ पर अलग अलग हो जाती है।
बिकॉज ऑफ रिवर क्यों हो जाती है, बिकॉज द रिवर स्लो डाउन ऑन इट्स लास्ट कोर्स, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में इनका जो बहाव होता है वो कम हो जाता है. इट स्टार्ट डिपॉजिट द सिल्ट सेडिमेंट, और जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आ जाए जो डिपॉजिट, वो उसको डिपॉजिट कर देते. इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट जो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बहा कर लेके आती है उसको वो बिछाना शुरू कर देती है. इट हैज बीन कैरिंग इट द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आईलैंड ऑफ सैंड इन द वाटर, और जो पानी के अंदर एक आइलैंड हो जाता है, स्मॉल आइलैंड यानी बीच बीच में मिट्टी का ढेर इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि उन्हें साथ बिछाती रहती है, और वो कैसे लगता है आइलैंड, क्योंकि उसके साइड में से तो पानी होता है. दीज ट्रेंगुलर पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द डेल्टा, दीज ट्रेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक तो साइडों मिट्टी रह गई, एक बीच में और एक उससे दूसरी तरफ, मतलब थ्री तीन चार साइड में ऐसी मिट्टी रह जाती है और बीच में पानी बहता, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा. दीज आइलैंड डिवाइड द रिवर इन द माउंटेन स्ट्रीम द डिस्टर्बड, दीज आइलैंड डिवाइड, जब ये आइलैंड इसको डिवाइड कर देते उसको टेरिब्यूटरीज बोलेंगे. तो स्टूडेंट आज हमने यहां तक डिस्टर्बड तक रीड किया है. स्टूडेंट्स आज हमने ये अपना चैप्टर किया है, चैप्टर रीड किया है द नॉर्थर्न प्लेन, हाफ पार्ट रीड किया है. तो जितना भी कराया आप उसको समझिए, और क्या आपको समझाया गया है बिल्कुल ध्यान से समझिए, और साथ ही साथ आप ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है इंडिया के मैप के अंदर, ये आप ये स्टेट जरूर फिल करें मैप के अंदर, पंजाब हरियाणा ये वाले स्टेट क्या नॉर्थर्न प्लेन, और आपको ये स्टेट मैप के अंदर फिल करने हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.